अस्सलाम वालेकुम पीएमएस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज हमारा 8th लेक्चर है, पीएमएस सोशल वर्क पेपर 2 लेक्चर 8। अपने फर्स्ट 7 लेक्चर्स में राउंड अबाउट हम 50% सिलेबस पेपर 2 का कवर कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। उसमें हमने देखा प्राइमरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। प्राइमरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क 3 किस्म के थे, प्राइमरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क, हमने देखा कि प्राइमरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क 3 किस्म के थे, सोशल केस वर्क, नंबर 2 सोशल ग्रुप वर्क। नंबर 3 कम्युनिटी डेवलपमेंट। मेथड्स ऑफ सोशल वर्क हम देख रहे थे। हम मैंने अपने 7 लेक्चर में सिक्स लेक्चर में डिस्कस किया था सोशल, 5th और 6th में सोशल केस वर्क, फिर हमने 7 में देखा सोशल ग्रुप वर्क, और अब हम 8 में देखेंगे सोशल ग्रुप वर्क के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे बाकी हैं, और नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं सोशल ग्रुप वर्क को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा 7 लेक्चर आप जरूर सुने, उससे आपको क्लियर हो जाएगा सोशल ग्रुप वर्क क्या होता है, सोशल ग्रुप वर्क की फिलॉसफी क्या होती है, सोशल ग्रुप वर्क किस तरह से डेवलप होता है, सोशल ग्रुप वर्क क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये सारी बातें आपको सोशल ग्रुप वर्क की लेक्चर 7 में समझ आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। जिस तरह हमने देखा था कि कंपोनेंट्स ऑफ सोशल केस वर्क क्या होते हैं, तो इस तरह से जिस तरह केस वर्क के कंपोनेंट्स थे, इस तरह से ग्रुप वर्क के भी कंपोनेंट्स हैं। तो ग्रुप वर्क के क्या कंपोनेंट्स हो, सबसे पहले तो आप एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप के बाद आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए, और उसके बाद आप ग्रुप वर्क का काम स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं ग्रुप वर्क के। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। हमने अपने 6 लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल केस वर्क। तो सोशल केस वर्क और सोशल ग्रुप वर्क के सेम प्रिंसिपल्स हैं। अगर आपने कोई काम करना है सोशल वर्क का, तो प्रिंसिपल्स तो चेंज नहीं ना होंगे, प्रिंसिपल्स तो सेम रहेंगे, लॉज रूल्स रेगुलेशंस चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे। अब ये जो पोर्शन है सिलेबस का सोशल वर्क के जो प्रिंसिपल्स हैं, या सोशल केस वर्क के या सोशल ग्रुप वर्क के, ये आपको सबका लेक्चर्स में मिल जाएंगे, लेक्चर 6 में मिल जाएंगे। फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है, जो सोशल केस वर्क की फील्ड्स हैं सेम इसकी फील्ड्स हैं। रोल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, ये भी हम जब सोशल केस वर्क का लेक्चर देख रहे थे लेक्चर 6 में हमने आपको डिटेल से बता दिया हुआ है। तो ये आपका जो पोर्शन है सोशल ग्रुप वर्क और सोशल केस वर्क, ये 2 पोर्शन आपके खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जस्ट एक पोर्शन बाकी है कम्युनिटी डेवलपमेंट। 1-2 लेक्चर में हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि आपका पेपर 2 का राउंड अबाउट 70% सिलेबस खत्म हो चुका है। डियर एस्पिरेंट्स, अपने काम के साथ मुखलिस रहें, सिंसियर रहें, कमिटेड रहें, टाइम निकाल कर लेक्चर सुना करें, लेक्चर को अच्छे तरीके से लिख लिया करें, नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, जब भी मेरा लेक्चर सुने आपके पास सिलेबस आपके सामने पड़ा होना चाहिए प्रिंट फॉर्म में, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं। जैसे जैसे हम चीजें कवर करते जाते हैं, आप वहां पर निशान लगाते जाएं, अपने सिलेबस को हाईलाइट करते जाएं, ताकि आपको पता चलता रहे कि मैंने अपने सिलेबस का कितने परसेंट पोर्शन कवर कर लिया है। आज तक हमने राउंड अबाउट 1 मंथ हुआ है हमने स्टार्ट किए हुए, तो 1 मंथ में राउंड अबाउट हमने 15 से 16 लेक्चर्स में हमने अपना पेपर 1 कंप्लीट खत्म कर लिया है, और पेपर 2 जो है हमारा पेपर 2
राउंड अबाउट 50% खत्म हो गया है। इस तरह से हम राउंड अबाउट 3 से 4 लेक्चर्स में मैक्सिमम हम अपना पेपर 2 भी खत्म कर देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने पास्ट पेपर्स सॉल्व करेंगे, जो पीएमएस के पास्ट पेपर्स हैं, पीएमएस 2020, 2019, 2018, 2017, राउंड अबाउट 5 ईयर्स के इंशाल्लाह हम पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को तसली हो जाए, एक अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिल जाए। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि हमारी बुक पब्लिश हो रही है, इंशाल्लाह ईद के कुछ दिनों बाद हमारी सोशल वर्क की बुक मार्केट में आ जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट एक अच्छा ऑथेंटिक क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा, जिस तरह आपने अपने पेपर में लिखना है, कंप्लीट हेडिंग्स के साथ एक अच्छी बुक इंशाल्लाह आपको मिलेगी, जिसके पढ़ने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी। तो डियर एस्पिरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।